ओके स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 5, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको कंपोनेंट से इंट्रोड्यूस करवा दूं। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया था, सेम वैसे ही जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका पार्ट एक्सेल है, जैसे वर्ड है वैसे ही एक्सेल है। तो एक्सेल की भी जो विंडो अभी ओपन है उसके कॉम्पोनेंट सेम है, कुछ चेंजिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे जो आपकी बार है टाइटल बार, टाइटल बार पे हमें टू चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। वन थिंग इज बुक वन, यू कैन सी हियर, बुक वन क्या है आपकी फाइल जो ओपन है जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं, तो आपकी बाय डिफॉल्ट जो एक फर्स्ट बुक ओपन होती है उसका नाम आपको यहाँ लिखा मिलेगा बुक वन। जब तक आप सेव नहीं करेंगे तो यहाँ फाइल का नाम होगा बुक वन, यानी कि आप बोल सकते हो आपकी वर्कबुक का नाम है यहाँ पे बुक वन। एंड एप्लीकेशन नेम, यहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन ओपन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का नेम, कौन सा प्रोग्राम आपका ओपन है। टाइटल बार के ऊपर हम टू चीज़ें देख सकते हैं मिड में। एंड थ्री कंट्रोल बटन्स यू कैन सी हियर इन द राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। फर्स्ट मिनिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन का यूज़ है जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज यानी कि श्रिंक होके आपकी स्टेटस बार के ऊपर चला जाएगा जो भी प्रोग्राम ओपन है। मिनिमाइज मैंने किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेल की जो फाइल हम यहाँ से देख रहे हैं हमारी जो फाइल मिनिमाइज होकर यहाँ आ गई है स्टेटस बार पे। दोबारा से इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा प्रोग्राम जो ओपन है। बीच वाला जो बटन है आपका रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज बटन है। रिस्टोर मीन्स जो आपकी विंडो है उसका साइज छोटा करना, ठीक है, एक्सेल के साइज का बड़ा अब वापस से बड़ा करना है मैक्सिमाइज, ठीक है, तो रिस्टोर करना यानी कि साइज को छोटा करना, मैक्सिमाइज वापस से बड़ा करना। एंड थर्ड बटन इज नोन एज ए कंट्रोल बटन, थर्ड बटन इज क्लोज बटन। क्लोज बटन से हम अपने प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। एंड लेफ्ट साइड में कुछ आपके टूल्स हैं या कमांड्स यू कैन से, तो कुछ कमांड्स हैं जैसे अंडू, रेड्यू, सेव, प्रिंट का, प्रिंट प्रीव्यू, तो इन कमांड को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार से हम कोई भी इसमें से कमांड फ्रिक्वेंटली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा रिव्यू, व्यू, ये सब हम इनको बोलते हैं टैब्स या आप मेन्यू बार बोलेंगे, ठीक है। पहले हम जो विंडो यूज करते थे उसमें हम बोलते थे मेन्यू बार, अब हम इनको बोलते हैं टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज, डाटा रिव्यू, व्यू। उसके बाद जैसे अभी होम हमारा जो टैब है सिलेक्ट है, आप कोई भी टैब पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब होम टैब को वापस मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। होम टैब के अंडर यहाँ ये एरिया जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रिबन, ठीक है। रिबन के अंदर हर टैब के अंडर अपना अपना अलग से रिबन होगा। जैसे मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगी तो यू कैन सी हियर यहाँ पे चेंजिंग हुआ है, ऑप्शंस कमांड्स चेंज हुए हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको हम रिबन बोलते हैं, रिबन मेड बाय ग्रुप्स। अब रिबन के अंदर ग्रुप्स बना रखे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिप बोर्ड के अंदर ग्रुप बनाया एक और इसमें कुछ रिलेटेड कमांड्स ऑप्शंस यहाँ डाल दिए। नेक्स्ट बनाया फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी फॉर्मेटिंग है उससे रिलेटेड यहाँ पे कमांड्स डाल दी। देन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का एक अलग से ग्रुप बना दिया। देन नंबर, तो इस तरह से जो आपका रिबन है वो मेड बाय ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर क्या है आपके कमांड्स आप बोल सकते हैं, ऑप्शंस बोल सकते हैं। उसके बाद है जस्ट यहाँ इसके नीचे ये जो A1 आपको दिखाई दे रहे हैं ये है नेम बॉक्स, ठीक है। नेम बॉक्स का मतलब क्या है, जो आपका एक्सेल है, एक्सेल एमएस ऑफिस की एक एप्लीकेशन है, एक पार्ट है जो मेड बाय रो एंड कॉलम्स, जहाँ रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि जहाँ दोनों लाइनें ये मिल रही हैं वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, तो इस एक छोटे से बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। एक्टिव सेल क्या है, यानी कि देखो अब मैं कोई भी सेल, कोई भी बॉक्स सेलेक्ट करती हूँ तो उसका एड्रेस यहाँ चेंज हो रहा है। यू कैन सी हियर B5, B5 का मतलब बी जो आपका कॉलम है, B5 जो आपकी रो है, तो एक्टिव सेल का एड्रेस जो नेम बॉक्स है वो आपको शो करता है। आफ्टर दैट यू कैन सी हियर फॉर्मूला जो बार है नेम बॉक्स के जस्ट नेक्स्ट और रिबन के जस्ट नीचे, ये है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार जो हम
सेल के अंदर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी सेल पे कोई भी आपने इंफॉर्मेशन लिख रखी है वो आपको फॉर्मूला बार पे भी सेम दिखाई देगी। मैंने यहाँ इस एक्टिव सेल के अंदर जो भी लिखा आप फॉर्मूला बार के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम्स क्या हैं जो डिनोटेड हैं बाय ए बी सी डी, दीज आर नोन एज द कॉलम्स, ठीक है। जो वर्टिकली हैं ये कॉलम्स हैं, और जो हॉरिजेंटली यानी कि इस तरह से हैं यू, ये हैं आपकी रोज, रोज डिनोटेड बाय काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से जो काउंट लिखे हुए हैं, तो ये हैं आपकी रोज एंड दीज आर कॉलम्स। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं आपके 16384, एंड जो रोज हैं टोटल आपकी एक्सेल सीट के अंदर वो हैं 1 लाख के आसपास, 1,84,576, ठीक है, इसके आसपास। और जो एक सेल है उसमें आप लगभग जैसे 255 करेक्टर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैं करेक्टर लिखना शुरू करूँ तो इनको बोल रही हूँ 255 आप करेक्टर्स लिख सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज द जो जहाँ मेरा कर्सर है अभी, ये है आपकी स्क्रॉल बार, दिस वन एंड दिस वन स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का यूज क्या है, जब हम अपनी सीट के ऊपर डाटा लिखते हैं तो उस डाटा को अप डाउन करने के लिए, लेफ्ट राइट करके देखने के लिए हमारा जो स्क्रॉल बार है, देखो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ स्क्रीन को, तो स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। ये लेफ्ट राइट जो टू पॉइंट्स हैं आपके स्क्रॉल बार के भी, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। वर्टिकल जो खड़ा है, ठीक है, पेज को अप एंड डाउन करने के लिए यूज किया जाता है, हॉरिजेंटल लेफ्ट एंड राइट यूज करने के लिए, पेज को आप लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं। तो स्क्रॉल बार आपके टू टाइप्स के हैं। आफ्टर दैट यू कैन सी हियर सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। ये क्या है, सीट टैब है आपकी। बाय डिफॉल्ट आपको एक बुक के अंदर, बुक 1 जैसे यहाँ ओपन है तो आपको 3 सीट्स मिलती हैं, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। आप इससे ज़्यादा खुद क्रिएट कर सकते हैं एंड इसको डिलीट भी कर सकते हैं, किसी भी सीट को आप डिलीट कर सकते हैं, पर आपको बुक 1 के अंदर, एक बुक के अंदर 3 सीट मिलेंगी, ओके। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको स्टेटस बार पे रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंट और एक्सेल सीट के रिगार्डिंग, यहाँ इंफॉर्मेशन मिलेंगी। फिर ये जूम एरिया है, यहाँ से आप अपनी विंडो के साइज को जूम करके देख सकते हो। ये व्यू है, जिस भी व्यू में आप देखना चाहते हो अपने पेज को। तो ये था आपका कंपोनेंट्स जो मैं आप क्लास में करवा चुकी हूँ। उसके बाद अब आप देखें जो आपका चैप्टर 5 है, थ्योरेटिकल मैं शुरू कर रही हूँ। तो थ्योरेटिकल क्या है आपका चैप्टर 5 एमएस एक्सेल में, हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो है जैसे स्प्रेड सीट, इंट्रोडक्शन की एक्सेल है क्या, 2010 क्या है, ओपन कैसे करेंगे एक्सेल की वर्कशीट को, सेव कैसे करेंगे अपनी एक्सेल की सीट को, रेंज ऑफ सेल से क्या मतलब है, एंट्रिंग डाटा कैसे एंटर करेंगे सेल्स के अंदर, कौन कौन से डाटा टाइप्स हम यूज करते हैं एक्सेल में, कॉपी कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे डाटा को, और जो एक्सेल है उससे एक्सिट यानी कि बाहर कैसे निकलेंगे एक्सेल से। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेट मी स्टार्ट योर न्यू टॉपिक इंट्रोडक्शन। व्हेन एवरी टास्क इन टुडेज वर्ल्ड इज डन फास्ट एंड क्विकली, आज के टाइम में जो आपका कोई भी काम है बहुत जल्दी से किया जाता है, फास्टली किया जाता है, यहाँ पे किसी भी काम को बहुत जल्दी पॉसिबल किया जाता है ख़त्म करने के लिए। नोबडी वांट्स टू सिट लेट, कोई भी लेट नहीं होना चाहता, वाइल अदर्स आर इंजॉइंग, जबकि दूसरे इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम तो कोई भी फ्री नहीं बैठेगा अपना काम छोड़ के। तो ये आज का हमारा टाइम है। यू नो मोस्ट ऑफ द जनरल टास्क टूडेज रिक्वायर कैलकुलेशंस। अब देखें बैंक में है जैसे, स्कूल्स में रिजल्ट को लेके हैं, तो ऐसे कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, कैलकुलेशन का काम जो है बहुत ज़्यादा होता है, बीट सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल भी हो सकता है, और सिंपल मीन्स बहुत साधारण या जटिल हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल। देर इज़ अ मेजर डिमांड ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है डाटा है उसको स्टोर करने की ज़रूरत होती है हर डिपार्टमेंट के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे बैंक है, बैंक के अंदर बहुत सारा डाटा होता है, जैसे जिनके अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, तो कोई ना कोई एप्लीकेशन जो बैंक वाले हैं वो यूज़ करते हैं, कोई टूल यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन टूल, तो जो टूल वो यूज़ करते हैं अपने डाटा को मैनेज करने के लिए उन टूल में से हैं, जैसे स्प्रेडशीट वो यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल है, जैसे एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए,
प्रैक्टिकली टेक अ लुक एट द सैम्पल सीट ऑफ मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट ऑफ ए क्लास. अब स्कूल की जैसे मैंने अभी बात की कि बैंक और स्कूल में, तो स्कूल में देखें जैसे डाटा को स्टोर करना होता है, तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया. ये टेबल जैसे एक्सेल में अपने डाटा को स्टोर करने के लिए सीरियल नंबर डाला, फिर नेम डाला, कंप्यूटर में कितने मार्क्स हैं बच्चे के, मैथ्स में कितने हैं, जीके में कैसे हैं, तो एक स्कोर को इस तरह से तैयार किया जाता है. तो ये कैसे हुआ, रोज एंड कॉलम्स में आपके डाटा को मैनेज किया हुआ है. तो एक्सेल कहाँ कहाँ, जैसे बैंक में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्कूल्स में, बहुत सारी कंपनीज में अपने डाटा को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जो डाटा है वो टेबुलर फॉर्म में ज़्यादा स्पेस लेगा और नॉर्मली हम जैसे टेक्स्ट में लिखते हैं वो ज़्यादा स्पेस लेता है, ना ही वो इफेक्टिव होता है. तो अपने डाटा को इफेक्टिवली जब हम मैनेज करते हैं तो हम एक्सेल टूल का यूज़ करते हैं. नाउ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट से मतलब क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउ अस टू स्टोर डाटा इन ए टेबुलर फॉर्म. मैंने बताया कि जो स्प्रेडशीट है उसका एग्जांपल है हमारा एक्सेल. तो एक्सेल क्या है, हम डाटा को स्टोर करते हैं टेबुलर फॉर्म में. टेबुलर फॉर्म से मतलब है कि आप अपना डाटा रोज एंड कॉलम्स में सेव करते हैं. तो हम बाद में सेव करने के बाद अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह से हम अपना रिजल्ट चाहें वैसे बाद में चेंज कर सकते हैं. स्प्रेडशीट रिसेंबल्स ट्रेडिशनल रिपोर्ट्स इन विच डाटा इज एंटर्ड एंड अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स. वही बोला गया है कि जो स्प्रेडशीट है वो आपके डाटा को रोज एंड कॉलम्स, जो बहुत पुराना मेथड है, उसी में रोज एंड कॉलम्स में अपने डाटा को स्टोर करने के लिए हमें हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग वर्कशीट विच कीप अकाउंटिंग डाटा लाइक एक्सपेंडिचर रिवेन्यू. अब क्या है, जैसे खर्चा और जो इनकम होती है उसके बाद जो बचता है, तो सारी डाटा को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सेल का स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं. रोज एंड कॉलम्स बनाते हैं, एक तरफ एक्सपेंडिचर बेनिफिट कितना है, रेवेन्यू, ठीक है, उसमें से सबट्रैक्ट करने के लिए, फॉर्मूलेज अप्लाई करने के लिए. तो हम स्प्रेडशीट को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं अपने कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर. अब स्प्रेडशीट आर वाइडली यूज बाई वेरियस कंपनीज. यही बोला, स्प्रेडशीट जो है वो बहुत ज़्यादा कंपनीज यूज़ करते हैं एंड दे प्रोवाइड एन ईजी वे ऑफ मैनेजिंग अकाउंट्स. अपने अकाउंट को हैंडल करने के लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं, सेल्स को दिखाने के लिए, स्टॉक दिखाने के लिए, और बहुत सारी और भी अदर कैटेगरीज होती हैं जो हम एक्सेल के अंदर शो करते हैं, और हमें एक्सेल के अंदर अपने डाटा को मैनेज करने में हेल्प मिलती है. इन स्प्रेडशीट्स डाटा इज एंटर्ड इन टू इन सेल्स विच कैन होल्ड आइदर न्यूमेरिक और टेक्स्ट डाटा. अब जब हम स्प्रेडशीट के अंदर डाटा को एंटर करते हैं तो डाटा न्यूमेरिक भी हो सकता है, यानी कि काउंटिंग में 1, 2, 3, एंड टेक्स्ट भी हो सकता है, जैसे हम नेम लिखते हैं, क्लास, ठीक है, ईयर लिखते हैं. तो डाटा किसी न्यूमेरिक में भी हो सकता है और टेक्स्ट में भी हो सकता है. प्री डिफाइन और कस्टम फार्मूलाज, यानी कि पहले से कोई फार्मूला जो डिफाइन है, जो फंक्शंस हम अप्लाई करते हैं, फंक्शन जो हमारे एक्सेल में होते हैं उसको प्री डिफाइन फार्मूलाज हैं, और जो कस्टम फार्मूलाज यानी कि कोई सीरीज बना के हम अपनी तरफ से कोई भी सीरीज कैलकुलेट करते हैं, तो हम दोनों ही टास्क एक्सेल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं. दीज आर यूज टू परफॉर्म फाइनेंशियली मैथमेटिकली स्टैटिकली कैलकुलेशंस, यानी कि आप किसी तरह का भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं. देर आर मैनी स्प्रेडशीट टूल्स आर अवेलेबल एंड वाइडली यूज वंस आर, मतलब बहुत सारे स्प्रेडशीट टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, उनमें से एक्सेल जो आज हम पढ़ रहे हैं एक्सेल, उसके बाद है ओपन ऑफिस, लोटस, 1, 2, 3, गूगल स्प्रेडशीट, ये सारे आपके स्प्रेडशीट्स हैं जिनमें कॉमन कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक वर्कबुक आपके हर स्प्रेडशीट के अंदर आपको मिलेगा. हमने अभी एक्सेल में देखा तो जो हमारी फाइल है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं, जहाँ लिखा हुआ था बुक वन. तो बुक वन जो है, वर्कबुक है, उसका मतलब क्या है, फाइल इज ए फाइल इन ए स्प्रेडशीट. एक फाइल जो स्प्रेडशीट के अंदर ओपन होती है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं. जैसे हम एमएस वर्ड के अंदर जब एक फाइल ओपन होती है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, हम उसको डॉक्यूमेंट वन के नाम से बोल सकते हैं. डॉक्यूमेंट वन ही आपका लिखा आता है. सेम ऐसे ही एक्सेल के अंदर जब एक फाइल ओपन होती है तो हम उसको वर्कबुक बोलते हैं. तो वर्कबुक क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ सीट टैब्स है ना, 1, 2, 3 सीट्स आपने देखी थी. तो जो आपकी सीट है वर्कशीट वो क्या है, 3 थी एक वर्कबुक के अंदर, तो क्या हुआ, वर्कबुक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट हो गया, ठीक है, जिसको हम वर्कबुक बोलते हैं. नॉर्मली ए वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ 3 वर्कशीट्स,
अभी जो हमने डिस्कस किया प्रैक्टिकल हम देख चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले प्रैक्टिकल करवाया था कि जो वर्कबुक है उसके अंदर 3 वर्कशीट हैं विच यू हैव सीन विच कैन बी ओपन बाई क्लिकिंग ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग सीट टैब। अब मैंने आपको तीनों सीटों के ऊपर जाके दिखा दिया, सीट 1 पे कैसे जाएंगे, सीट 2 पे कैसे जाएंगे एंड सीट 3 पे कैसे जाएंगे, और ये भी बताया था कि कोई भी सीट हम इसमें से डिलीट कर सकते हैं, हम चाहें तो एक वर्कबुक के अंदर एक शीट भी हम रख सकते हैं, बाकी सब डिलीट कर दें। ठीक है, तो वर्कबुक आपका अच्छे से समझ आया। अब है वर्कशीट। वर्कशीट क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स होते हैं, है ना। रोज एंड कॉलम्स में आपका जो डाटा है लिखा हुआ होता है, तो मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जो आपकी वर्कशीट है रोज एंड कॉलम्स से बनी हुई है। इट इंटरेक्ट विद द यूजर टू स्टोर ऑर्गेनाइज एंड कंप्यूट डाटा। आपके डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है वर्कशीट। ए वर्कशीट इज कैपेबल ऑफ डूइंग बेसिक अर्थमेटिकल एंड मैथमेटिकल फंक्शनली एंड स्टेटिकली ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं, यानी कि कैसी भी ऑपरेशन आप वर्कशीट के अंदर, कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, कोई भी ऑपरेशन ऑपरेटर यूज करके आप कितनी भी टफ से टफ कैलकुलेशंस वर्कशीट के अंदर कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेल पॉइंट। सेल क्या है? एक सिंगल बॉक्स, जैसे रोज एंड कॉलम एक सिंगल बॉक्स, एक रेक्टेंगल जो मैंने आपको दिखाया था उसको हम बोलते हैं सेल, जो बनता है रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से, जहां एक रो एंड कॉलम का पॉइंट, जहां लाइन आके मिलती है वहां एक आपका सेल बिल्ट हो जाता है। तो ईच सेल इन द वर्कशीट हैज ए यूनिक नंबर। हर सीट के अंदर हर सेल का एक यूनिक नंबर होता है। जैसे सबसे फर्स्ट जो सेल है आपका सिलेक्ट होता है, तो A1 लिखा हुआ होता है नेम बॉक्स के अंदर, मैंने नेम बॉक्स आपको दिखाया था। ठीक है, तो क्या है? पार्टिकुलर उस सेल का एड्रेस है, यानी कि वो A कॉलम के अंदर है, 1 रो के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल सेल नंबर D5 इंडिकेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेल क्रिएटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ 4th कॉलम एंड 5th रो, यानी कि D5 जो सेल होगा आपका, D5 नंबर जो उसका होगा, तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब 4th जो आपका कॉलम है, जहां जाके 4th कॉलम और 5th रो जहां जाके इंटरसेक्ट किया, यानी कि आपस में क्रॉस किया दोनों ने, तो वो बन गया आपका D5 सेल। ठीक है, तो हर सेल का ऐसे ही एड्रेस होता है। नाउ रोज नंबर, रो नंबर आर यूनिक एंड दिस आर यूज टू एड्रेस रो। अब हम नंबर से ही डिनोट करते हैं रोज को, यानी कि 5th रो में हमें चेंज करना है, 7th रोज में चेंज करना है, तो जो रोज हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं एड्रेस ऑफ रोज। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हम रोज को नंबर से रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ कॉलम नेम, कॉलम नेम रिप्रेजेंट द कॉलम्स। कॉलम्स नेम से हमें कॉलम का पता चलता है, कौन सा कॉलम। ठीक है, ABC इस तरह से, A to Z खत्म होने के बाद AA शुरू हो जाता है, तो इस तरह से हम कॉलम के नेम से हम जानते कॉलम्स को कि कौन से कॉलम में कौन सा डाटा हमने देखना है। नाउ एक्टिव सेल, द सेल ऑन विच कर्सर करेंटली पॉइंट टू, जहाँ पे हमारा कर्सर, छोटा सा डंडा जो ब्लिंक होता है वो क्या होता है, कर्सर। तो जहाँ जिस सेल के अंदर कर्सर होगा हमारा, जहाँ हम लिखते हैं टाइप करते हैं, तो वो है हमारा एक्टिव सेल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। नाउ व्हाट इज MS Excel? MS Excel हमने पहले भी बोला कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक शूट है, उसका एक पार्ट MS Excel भी है। MS Excel क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि कंप्यूटर पे यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लगा है इलेक्ट्रॉनिक। स्प्रेडशीट, जो डाटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, डाटा को हम वर्कशीट में पूरा प्रिपेयर करते हैं अपने डाटा को, और वर्कशीट्स वर्कबुक के अंदर होती हैं। ठीक है, तो MS Excel आपका प्रोग्राम है जो डाटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। योर वर्कशीट्स एंड वर्कबुक, हम अपनी पूरी वर्कबुक को मैनेज करते हैं एक्सेल के अंदर। तो क्रिएटिंग ए वर्कशीट, एक वर्कशीट को हम बनाते कैसे हैं? यू कैन इजिली क्रिएट ए वर्कशीट बाय लॉन्चिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का प्रोसीजर यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे ही आप अपना PC ऑन करेंगे, कंप्यूटर आपने अपना ऑन किया, तो फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर पे बटन है स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे जस्ट आप क्लिक किया तो ये स्टार्ट मेन्यू आपके सामने अपीयर हो गया। स्टार्ट मेन्यू जैसे अपीयर हुआ तो यहाँ ऑल प्रोग्राम पे आप जाएंगे। ओल्ड प्रोग्राम पे जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यू कैन सी हियर,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चूज किया, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन सी हियर। तो पॉइंट्स लिखे हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड यू विल गो ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, थर्ड यू विल गो ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इस तरह से अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब है नेक्स्ट आपका एक्सेल का जो विंडो ओपन होगा, तो उस पर सारे पार्ट्स जो मैंने आपको समझाया एक एक बोल के, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि टॉप पे टाइटल बार, देन आपका क्विक लॉन्च बटन्स, ये थ्री बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन यू कैन सी हियर, जस्ट बिलो द टाइटल बार यू कैन सी द रिबन, एंड जस्ट बिलो द रिबन यू कैन सी हियर फॉर्मूला बार, दिस इज अ नेम बॉक्स, एक्टिव सेल, ओके, एंड कॉलम नेम ए बी सी जो है ये डिनोटेड, ये यहाँ से लेके यहाँ एरिया पूरा कॉलम नेम, एंड ये जो है 1, 2, 3 ये सब क्या है, रोज नंबर, सीट टैब, सीट 1, 2, 3 ये सीट टैब्स हम इनको बोलते हैं, स्क्रॉल बार टू टाइप्स की हैं, स्क्रॉल बार वर्टिकल, स्क्रॉल बार हॉरिजेंटल, ठीक है। तो पूरा कंपोनेंट्स जो मैंने आपको समझाया था, आफ्टर दैट यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पॉइंट, व्हाट इज द टाइटल बार, टाइटल बार डिस्प्ले डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द वर्कबुक, वर्कबुक का टाइटल जहाँ पे हमें देखने को मिलता है इज नोन एज अ टाइटल बार, इट इज लोकेटेड एट द लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। ये देखो टॉप मोस्ट जो मिडल ऑफ द टाइटल बार यू कैन सी हियर, ठीक है, जो हमें टाइटल नजर आता है, देन क्विक एक्सेस टूल बार दिस एरिया, ये क्या है क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे कुछ आपके कमांड्स प्रेजेंट हैं, जैसे सेव, अंडू, रेड्यू, ये ऑप्शंस होते हैं, मेन्यू बार्स, हम इनको मेन्यू बार बुला सकते हैं, ठीक है। पहले जो वर्जन थे हम इनको मेन्यू बार बोलते थे, आप इनको टैब्स भी बोल सकते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपकी टैब्स हैं। देन रिबन की डेफिनेशन है कि रिबन क्या है, रिबन कंटेन टू पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। ये देखो टैब्स जो होम टैब वगैरह हैं इनको हम टैब्स बुलाते हैं। आफ्टर दैट जो रिबन के ऊपर ग्रुप्स हैं, है ना, ग्रुप्स मैंने अभी समझाया आपको, ये ग्रुप्स में डिवाइड होता है। देन फार्मूला बार क्या है, फार्मूला बार कैन बी सीन विद द लॉन्ग इनपुट लाइन, एक लाइन है फार्मूला बार जहाँ पे हम फार्मूला ऐड करते हैं, और किसी सेल में जो भी डाटा हम देखेंगे वो हम फार्मूला बार के ऊपर भी देख सकते हैं। नेम बॉक्स इंडिकेट करते हैं एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, ठीक है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन हमारा जो हमने कंपोनेंट्स मैंने आपको समझा है वहाँ यहाँ तक लिखा हुआ है, तो आप यहाँ तक पढ़ें, ठीक है, और ये पॉइंट्स और करवा था कि एंटर हम ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आप यहाँ तक करें। ओके स्टूडेंट।